थोड़ा आराम कर लो, दो चार दिन तुम अपने घर के काम निपटा आओ, दो चार दिन हम भी डोलिया में, पांच छह दिन बाद फिर मिलेंगे, फिर कथा सुनेंगे। ये तामसी कथा है। या फिर अनवरत एक वर्ष तक चल भी रही है तो कैसी है? वक्ता कहते कहते भूल गए कि मैंने कौन कौन से प्रसंग सुनाए थे, और श्रोता भी सुनते सुनते भूल गए हमने कौन सा प्रसंग सुना था। विस्मृतम स्मृति संयुक्तम, कभी तो याद आ जाता है विषय और कभी भूल जाए उस विषय को। और सबसे बड़ी बात, तामसी कथा कब बन जाती है? बोले आलसम, आलस युक्त कथा। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि सात दिन की कथा भी आप उसमें आलस से लेकर के आओगे तो वह भी तामसी हो जाएगी। आप मास पर्यंत की कथा में भी यदि आलस से लेकर के आएंगे तो वो भी तामसी हो जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को आज्ञा की गई है कि मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बैठ करके अपने मनोभाव चित्त को एकाग्र करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि आलस से प्रविष्ट होते ही, ध्यान भंग होते ही वो कथा का स्वरूप तामसी हो जाएगा, तामस हो जाएगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं सावधानतः श्रुणु, सावधानी से सुनो। तो तामसम यत्तु वर्षेण आलसम श्रद्धायायुतम, आलस्य और अश्रद्धा से, अश्रद्धा मतलब जबरदस्ती बैठ गए, मन नहीं था, बस गुरुदेव की आज्ञा है, माता पिता पीछे पड़े इसलिए कथा में जाके बैठ गए हैं, ऐसी आलस्य युक्त कथा को, अश्रद्धा युक्त कथा को तामसी कथा कहा गया। अब ऐसी कथा वर्ष भर क्या जीवन भर भी चलती रहे तो भी वो तामसी रहेगी? तो ये तामसी कथा तामसी नहीं है, सुनने वाले की स्थिति और कहने वाले की स्थिति उसको तामसी बना देती। जैसे तामसी कथा का स्वरूप सुने, एक बार एक राजा के यहां पर महाभारत की कथा हुई, बहुत ध्यान से सुनना। महाभारत की कथा करके ब्राह्मण देवता जैसे ही वापस गए अपने व्यास जी घर पे, पत्नी ने कहा, अच्छा महाभारत की कथा भी एक महीने की होती है, महाभारत की कथा का विधान भी मास पर्यंत है, एक महीने तक होनी चाहिए। तो महाभारत की कथा करके एक महीने बाद व्यास जी लौट करके आए, पत्नी ने आरती पूजन करके घर में स्वागत किया। पत्नी ने पूछा आ गए कथा करके? बोले जी। बोले आपकी पोथी कहाँ है, महाभारत जी की पोथी? ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तो वो तो भूल ही आया, वहां पे राजा के यहाँ ही रह गई, रुको मैं अभी जाता हूँ पोथी लेके आता हूँ। ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े राजा के यहाँ गए, जैसे ही राजा के यहाँ पहुंचे तो द्वार पर ही राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने प्रणाम किया, जय हो व्यास जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपने तो एक महीने के लिए हमारे राज्य भवन को वृंदावन बना दिया, आपने ऐसी सुंदर कथा सुनी, कभी कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन होता, कभी वृंदावन का दर्शन होता, कभी इंद्रप्रस्थ का दर्शन होता, कभी द्वारिका का दर्शन होता। व्यास जी बड़े खुश हो गए, वाह बिटिया ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। व्यास जी बोले, बेटी हमने एक महीना कथा सुनाई, तुमने कुछ अच्छा सीखा हमारी कथा से? तो कन्या बोली, हाँ मैंने बहुत बढ़िया एक 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 मेरे प्रश्न का उत्तर सीखा आपकी कथा से। व्यास जी बोले, क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो विवाह करने के लिए ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करी, दोनों ने भाग करके ब्याह कर लिया। हमारा जो राज द्वार है ना, जो राज के दरवान है जो बाहर, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, पर पिताजी मेरा उससे कभी ब्याह नहीं होने देंगे, मैं राजकुमारी हूं, वो दरबार है हमारा। आपकी कथा से मैंने सुभद्रा और अर्जुन के इस प्रेम को, भाव को मैंने सुन लिया है और अब मैं भी उसके साथ भाग के ब्याह करूंगी। कल को मुझे कोई दोष देगा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था, व्यास जी ने कथा में कही थी ये बात, और कथा की सारी बातें अनुकरणीय होती हैं। व्यास जी बोले, बिटिया तुझे और कोई नहीं मिला पूरी कथा में, अपने मतलब की बात ही समझ में आई तेरे को बस? बोले अब व्यास जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग आज रात को ही भागने वाले हैं, बढ़िया हुआ आपसे आशीर्वाद और मिल गया। व्यास जी बोले, मेरी पोती कहाँ है, मैं लेके भागूं, उससे पहले राजा पकड़े मुझे।
व्यास जी थोड़े और अंदर गए तो राजा का बेटा मिल गया। व्यास जी बोले, राजकुमार आओ हो। राजकुमार ने जैसे ही देखा व्यास जी चरणों में लेट गया, बोले अरे व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई महाराज, मैं क्या बताऊं, नेत्रों से झरझर आंसू गिरे, चरणों में बार बार प्रणाम करे। बोले मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मुझे किस मुख से धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। व्यास जी के मन में आया कि भाई राजा का पुत्र है, पुत्री तो ऐसी निकली, पुत्र ने कुछ बढ़िया सीखा होगा, इससे पूछें इसने क्या सीखा। व्यास जी बोले, बेटा तुमको अच्छी लगी कथा? बोले बहुत अच्छी, आप इतनी मीठी कथा कहते हैं, तुमको क्या अच्छा लगा कथा में? बोले महाराज जी मुझे तो वो वाला प्रसंग बहुत अच्छा लगा। बोले कौन सा प्रसंग? बोले वो प्रसंग जहां पर आपने कहा था कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा की राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी था, पर उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठा ही नहीं रहा था। बढ़िया किया कंस ने, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, खुद बैठ गया। अब मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी अपने पिताजी को जेल में डाल दूंगा और जेल में डाल करके खुद राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, और कोई अगर मुझको आके टोकेगा कि ये तुमने क्या किया, तो मैं कह दूंगा व्यास जी बता के गए थे कथा में ऐसा ही हुआ था, जो कथा में कहा गया मैंने तो उसका पालन किया है। व्यास जी को चक्कर आने लगे, मेरी पोथी कहाँ है भैया, दे दो मैं भाग जाऊं यहां से, किन लोगों के बीच में पड़ गया मैं। व्यास जी थोड़े और आगे गए तो रानी मिली, रानी ने खूब चरण पहारे, अरे व्यास जी जय हो जय हो जय हो, आपके पुनर्दर्शन हो गए, आप कथा सुना के गए, खूब बहु प्रशंसा की। आपकी कथा ने मेरी ग्रंथियां खोल दी, आपकी कथा ने मेरे 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 सारे संशयों का समाधान बता दिया। व्यास जी इतने सारे नकारात्मक उत्तर सुनकर के बेचारे घबरा गए थे, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा उठी, एक सकारात्मक उत्तर मिल गया तो चैन से सो तो जाऊंगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में, तुमको क्या अच्छा लगा, कोई एक बात बताओ। बोले आपने कहा कि पंच कन्या जो प्रातः काल स्मरणीय है उनमें एक नाम द्रौपदी का भी है, जिन पंच कन्याओं को नित्य प्रणाम सुबह उठकर के करने से बड़ा शुभ होता है, ऐसी शुभ नित्य प्रणाम करने वाली कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी, और वो द्रौपदी पंच कन्याओं में इसलिए है क्योंकि उसके पांच पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी सोच रही हूं कि मैं भी दो चार ब्याह और कर लूं। व्यास जी बोले, मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझको जाने दो यहां से, मेरी पोती कहां है। बेचारे जैसे तैसे निकल करके भाग रहे थे, इतने में ही राजा मिल गया, मुख्य यजमान। राजा को देखते ही व्यास जी बोले, मेरी पोती कहाँ है, मैं पोती लेने आया हूं अपनी, मेरी पोती दे दो, मैंने बहुत भला, मैंने बहुत पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए जो आपके यहाँ कथा सुनाने, लेकिन अब मैं बस उस पुण्य से निवृत्ति चाहता हूँ, सारे पुण्य आपके पूरे परिवार को देके बस यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, मेरी पोती दे दो। राजा ने कहा, व्यास जी ऐसे थोड़ी विराजी है, हम जानते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। राजा को लगा ये दक्षिणा ज्यादा मांगने आए, हमने कम दे दी थी, व्यास जी ने कथा सुनाई है, कथा सुनाने के बाद में अब दक्षिणा तो हमने लिफाफे में बंद करके दे दी, जो देनी थी इनको कम लगी होगी तो किसी बहाने से दोबारा लेने आए हैं। अब राजा ने ऐसा सोचा, व्यास जी को बैठा दिया, व्यास जी बैठ गए। राजा बोले, देखिए मुझे सब पता है आपके मन में क्या भाव चल रहा है, पर मैं आपकी कथा से ही सुनी गई एक बात आपको कहना चाहता हूं। व्यास जी बोले, मेरे मन में कोई भाव नहीं है राजन, तुम कुछ और मत सोचो। बोले नहीं नहीं मैं सब समझ गया हूं, मैंने तो आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया, अरे ब्राह्मण की क्या कहें, संत की क्या कहें, स्वयं भगवान उसके सामने आ गए थे कि पांच गांव दे दो पांडवों को, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, सुचग्रीव न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी लिफाफे में जो दक्षिणा दी है उसी को ही मान्य मानिए, उससे अतिरिक्त यदि लेना चाहते हैं तो युद्ध करिए और हमसे दक्षिणा ले जाइए,
व्यास जी बोले, भैया तुम्हारे युद्ध तुम अपने पास रखो, और सुनो हमारी पोथी भी तुम अपने पास रखो, हम दूसरी ले लेंगे, यहां से जाने दो। इसको कहते हैं तामसी कथा। कई लोग आजकल ऐसी, एक बात मैं कह दूं मन में आ रही है, कोई अन्यथा मत लेना, आजकल युवा आते हैं कथाओं में, बहुत युवा आते हैं। महाराज जी अभी थोड़ा प्रचलन बदल गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं, सब नहीं पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत युवा केवल इसलिए कथा सुनते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर मिले, उनका जो संशय है उसका समाधान मिले। केवल जिस स्थिति परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसका समाधान, अगर इस समाधान, मैं जिस परिस्थिति में हूं या मेरा जो संशय है, मेरा जो प्रश्न है, बस उसी के लिए मैं कथा में बैठूं, अन्यत्र उसके अतिरिक्त कोई चर्चा हो तो उसको अनसुना कर दूं, तो यह कथा भी तामसी बना देगी कथा को, ये तामस स्वरूप है कथा का। बंधुओं, कथा में तो खाली घड़े के भांति बैठो, व्यास रूपी प्याऊ को अवसर दो आपके उस घट को भरने का। पहले से ही उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं, पहले से ही बहुत सारे भाव, पहले से ही अत्यंत ज्ञान भर करके बैठेंगे, व्यास अपना भाव कहां उड़े लेगा, तामसी हो जाएगा, छलकेगा बाहर जो भी डालेगा। इसलिए कथा में तो शून्य होकर के बैठो, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई भाव, ना कोई प्रश्न, ना कोई संशय, बस प्रेम भाव से बस श्रवण के लिए बैठो। यहां कही गई हर एक अक्षर, हर एक भाव आपको सुदृढ़ करने के लिए है, इस भावना से कथा में विराजमान हो, नहीं तो कथा का तामसी रूप हो जाएगा। तो यहां पर वर्ष भर की कथा को तामसी नहीं कहा गया है, यहां पर कथा में होने वाले आलस्य और अश्रद्धा को आलस्य तामसी बताया गया है। इसलिए चाहे मास पर्यंत हो, चाहे सप्ताह पर्यंत हो, चाहे वर्ष पर्यंत हो, यदि अश्रद्धा और आलस्य युक्त होकर के आप कथा में प्रवेश करेंगे तो तामसी बन जाएगी। और तामसी का स्वरूप क्या होता है, तामसी से कुछ बुरा नहीं होगा, पर हां कुछ अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा क्या होगा, यदि सात्विक भाव से कथा सुनोगे, निर्गुण भाव से कथा सुनोगे, तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं दिखेगा,